फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल एजी इन्वेस्टमेंट में। मैं हूं अशोक कुमार और आइए आज हम देखते हैं कुछ ऐसे फंड्स जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो फंड्स हैं हमारे लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज कैप में सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कहीं भी इन्वेस्ट कहाँ करें, तो लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पर चलता हूँ एजी इंडिया ऑनलाइन, और वहाँ पर मेरे बेस्ट जो चॉइस्ड फंड है आवर फेवरेट फंड्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। फेवरेट फंड में आपको पहले बताया हुआ कि आप फेवरेट फंड में जाकर देख सकते हैं कि कौन से मेरे फेवरेट हैं। हो सकता है आपके कुछ फेवरेट हों तो ज़रूर आप रिकमेंड कीजिए, मैं उसको देखूँगा और उस पर फिर हम इसको एड ऑन या डिलीशंस करेंगे, राइट। सो मैं आज देखता हूँ लार्ज एंड मिड कैप। इससे पहले हमने लार्ज कैप पर डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाकर देखिए, आपको मिलेगा वहाँ पर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात जो मैं हरदम कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट में ओवर स्मार्ट बनना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ आप ओवर स्मार्ट बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान करेंगे। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, किसी वीडियो को देखा कुछ इन्वेस्ट किया, किसी वीडियो को देखा वहाँ से एग्जिट किया और वहाँ इन्वेस्ट किया। ये बिल्कुल ही मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट में आपको एक स्ट्रेटजी बेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो दिया है आपको, इस समय सिप कैसे करना चाहिए, यानी ब्लास्ट सिप के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 3 से 4 महीने के लिए, जो लमसम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और SIP इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सो चलिए आज बिना देर किए हम देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप में मेरा रिकमेंडेशन कौन से फंड्स हैं और आपको क्या लेना चाहिए। सो हमने सेलेक्ट कर लिया है लार्ज एंड मिड कैप। यहाँ पर बेसिस 1 ईयर्स, अगर आप वन ईयर की आप देखें कि 1 साल में जो कुछ फंड्स हैं उसमें कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो 1 साल में अगर आप देखें तो हमारे पास 4-5 फंड्स आए हैं जिनका अगर रिटर्न्स देखें तो 1 साल में प्रॉफिट में रिटर्न देने वाला आपके पास आ रहा है इन्वेस्टको इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड्स। 5 साल में 2.89 है और जब से शुरू हुआ तब से 8.55 है, राइट। उसी तरह से अगर हम बात करें DSP का, तो 1 साल में सारे माइनस में, चलिए हम इसको बेसिस कर देते हैं 5 ईयर्स और टॉप 5 फंड्स, राइट। 5 ईयर्स सेलेक्ट किया और टॉप 5 फंड्स, क्योंकि आप देखें 2017 के बाद मार्केट करेक्शन होना शुरू हुआ और गिरते गिरते आज जिस सिचुएशंस पे है आपको सब पता है, तो इसलिए हमने बेसिस कर लिया 5 साल, क्योंकि 5 साल में मार्केट में सारे में करेक्शंस हुआ है और सबके लिए एक फंड मैनेजर को मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई होगी, और वो कैसे मैनेज किया है और उसने क्या रिटर्न दिया है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कैनरा रिवेको इमर्जिंग इक्विटी, यहाँ पर 1 साल में उसके -16% का रिटर्न है, 3 साल में -1% का रिटर्न है और 5 ईयर्स में 4.97 का रिटर्न है, राइट। उसी तरह से प्रिंसिपल देखें तो 1 साल में -17.64, यानी कैनरा रिवेको से नीचे परफॉर्मेंस रहा उसका। उसी तरह से 3 साल में भी उसका परफॉर्मेंस और डाउन रहा, 5 साल में भी परफॉर्मेंस इससे कैनरा रिवेको से बेकार रहा। उसी तरह से अगर हम LIC की बात करें, LIC जब से अपना खुद मैनेज करना शुरू किया है फंड को, तब से, क्योंकि इससे पहले LIC का टाइप था और उसका फंड मैनेजर कोई और था, लेकिन अब LIC अपने फंड को खुद मैनेज कर रही है, तो जब से अपना फंड मैनेज करना शुरू किया है तो इसके परफॉर्मेंस में डे बाई डे परफॉर्मेंस अच्छा होते जा रहा है और इस पर हमें वॉच रखने की ज़रूरत है आने वाले समय में। तो LIC में देखिए 1 साल में -15% है, यानी 1 साल में कैनरा रिवेको को पीछे करता हुआ, राइट। अगर हम 3 साल की बात करें उसमें भी कैनरा रिवेको को पीछे किया है, और 5 साल में परफॉर्मेंस इसका कैनरा रिवेको से ठीक नहीं है, राइट। तो उसके बाद DSP देखते हैं, DSP सबसे नीचे है 2-3 साल में भी और 5 साल में भी। उस तरह से इन्वेस्टको के देखते हैं तो इन्वेस्टको भी नीचे रहा परफॉर्मेंस में, लेकिन 3 साल के परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो ये एक प्लस में है 1.73,
एंड 5 ईयर्स में अगेन नीचे है। तो इस टाइप से मुझे क्या लगता है, यहाँ पर अगर आप देखें कैनरा रिवेको और LIC, राइट, ये दोनों एक अच्छे कंपटीशन में चल रहे हैं, -16 1 ईयर्स में और -15 आपका LIC 1 ईयर्स में, 3 ईयर्स में -1.22 और LIC -1.11, 5 ईयर्स में 4.97 पॉजिटिव में कैनरा और LIC MF 3.58 पॉजिटिव में। जब से शुरू हुआ है तब से कैनरा रिवेको जाहिर सी बात है आगे हुआ, क्योंकि LIC का परफॉर्मेंस स्टार्ट तब हुआ जब इसने अपना खुद मैनेज करना शुरू किया। तो यहाँ पर मगर देखें दो, कैनरा रिवेको और LIC। अब हम इसको देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल्स। अब अगर आप देखें यहाँ पर कैनरा रिवेको का फंड मैनेजर कौन है, यहाँ पर फंड मैनेजर है श्री दत्ता, राइट, और इस बेंचमार्क क्या है S&P BSE 200, राइट, और आज की NAV 78 रुपीज़ 44 पैसा, जो -1.29 डाउन है जो पिछले एक दिन के बाद। ये परफॉर्मेंस चार्ट अगर देखें, क्योंकि ये फंड स्टार्ट हुआ था 2005 से, राइट, 2005 से अभी तक चलते आ रहे, और सबसे जो वीक रहा 23rd of March में सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है, मार्केट गिरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको रिटर्न्स ऐसे अभी माइनस की कंडीशंस में दिख रहा है। इसकी फोलियो को अगर हम देख लें तो अगर SIP की रिटर्न, अगर आपने SIP किया हुआ है तो 10 ईयर्स में इसकी SIP रिटर्न है 13.49 अगर आपका SIP चल रहा है, और 5 ईयर्स में रिटर्न है 0.53, राइट। अब इसकी सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप है तो इसमें इक्विटी होना ही होना है, और इक्विटी 97.6% है। इसमें आप ये देखिए इसकी कंपनी की होल्डिंग, अब यहाँ पर जब कंपनी होल्डिंग देखते हैं, सबसे पहले जब आप अपनी फोलियो बनाते हैं, जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, 3-4 कैटेगरी चूज करते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपकी जो पूरी पोर्टफोलियो बन रहा है फाइनेंशियल सेगमेंट में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, हेल्थ केयर में कितना हो रहा है, FMCG कितना, ये फोलियो आपको एक बार देखना है और उसके अकॉर्डिंग कहीं पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, और तब अपने फोलियो में जहाँ पर आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग में थोड़ा ज़्यादा करना है तो इंजीनियरिंग वाले फंड्स को ऐड कीजिए। अब यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सेगमेंट के सबसे अच्छे फंड्स HDFC, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों फंड्स में इनकी होल्डिंग क्या है 7% है और 5.23% है। इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, एक्सिस, एवेन्यू आपका हो गया, उसके बाद IPCA लेबरेट, ये आपका लेबोरेटरीज है, अतुल, ये सारे जो बेसिक अच्छे हैं जो होल्डिंग्स है। अब इनकी पूरी होल्डिंग्स देखने के लिए आप देख सकते हैं मेरे साइट पर जाकर, आप पूरी होल्डिंग्स में कौन कौन से फंड्स हैं और क्या क्या शेयर्स लिया हुआ है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो इन लोगों से भी आप सीख सकते हैं कि कौन से फंड रख रहे हैं और कौन से फंड डिलीट कर रहे हैं। तो इस टाइप से इनकी ये पोर्टफोलियो है। अगर हम उसी तरह से LIC की पोर्टफोलियो देख लें, LIC की पोर्टफोलियो में भी आप यही फाइंड आउट करेंगे, LIC का स्टार्टअप कब से हुआ है 2015 से, और वो स्टार्ट कब हुआ था 2005 से, आपको ये भी देखना है। तो 2015 से स्टार्ट हुआ है इनका, होल्डिंग देखते हैं इक्विटी में 86.85 और अदर्स में 13.15, यानी थोड़ा सा इन्होंने इसको डाइवर्सिफाइड किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 86 और आपका 13.2% अलग है। कंपनी एलोकेशन से अगर देखें अदर्स, और यहाँ पर देखिए HDFC बैंक को 5% का इन्होंने शेयर दिया है, और जबकि हमारे पास जो कैनरा था यहाँ पर हमारे पास HDFC का शेयर कितना 7.2%। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कैनरा और LIC में अगर हमें कुछ चूज करना हो तो हम इस LIC को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक जो अपना फाइनेंशियल सेगमेंट है ना उसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइड कर दिया। इस HDFC पे ज़्यादा पैसा नहीं रखा, मान लीजिए किसी भी समय अगर HDFC का कोई भी डिफॉल्ट आ जाता है पेपर में तो फिर क्या होगा, जिसका जो नुकसान होगा कम होगा और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा होगा, तो परफॉर्मेंस वाइज में फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएगा जब डिफॉल्ट होगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे पेपर डिफॉल्ट हो रहे हैं।
दूसरा फाइनेंशियल सेगमेंट में अगर देखें 31% का इनके पास भी होल्डिंग है, और इनके पास भी अगर आप होल्डिंग देखें 30%, 30.376। सो अगर डाइवर्सिफाइड इस तरह से करके देखें तो आप कैनरा और दूसरा है हमारा LIC, ये दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट में मैं चॉइस करूँगा LIC का और सेकंड चॉइस करूँगा कैनरा रिवेको का इमर्जिंग इक्विटी, क्योंकि कैनरा रिवेको काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है और कंपनी इसी फंड पे फोकस करके बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है। लेकिन अगर जब से LIC ने अपना पोर्टफोलियो चेंज किया तो आप देख सकते हैं आने वाले समय में LIC की इस फंड की वैल्यू बढ़ेगी और अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है। तो इस टाइप से अपना फ़ंड चूज़ कीजिए, मेरी साइट पर जाकर या आप कहीं से भी जहाँ से भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ कीजिए, लेकिन यहाँ पर हमने एक दिया हुआ है हमारे फेवरेट फंड्स, हर कैटेगरी के अलग अलग फंड्स हमने डाल रखे हैं, जो आपको फंड्स अच्छा लगता है अगर उसमें आपको कोई चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। आप कंप्लीट फंड्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज टॉप परफॉर्मेंस फंड्स भी हैं जो आप अपने आप से सर्च करके उसको कर सकते हैं या किसी भी साइट से कीजिए, लेकिन मेरे साइट पे कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट हम नहीं करते, जो अच्छा है वो अच्छा है और वो आपके सामने दिखता है। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा यही था कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करें लार्ज एंड मिड कैप में। अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अपनी पोर्टफोलियो कैसे भी बनाया हुआ है और मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट लार्ज एंड मिड कैप कर लीजिए और चलने दीजिए, आपको अच्छा रिटर्न्स ही आएगा। उस लार्ज एंड मिड कैप में कौन सा फंड चूज करें, वो आप कैसे चूज करें, आपके पास सामने ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे साइड से या मेरे हेल्प में मेरी पोर्टफोलियो प्लानिंग के साथ आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना पोर्टफोलियो सिंपल यहाँ पर रजिस्टर्ड कीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसे जुड़ेंगे आपको ऐप भी मिल जाएगा और ऐप से आप पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़े फ्रेंड्स के मेरे पास मैसेज आते हैं, ये तो साइट पता नहीं सेफ है कि नहीं है। अरे साहब, आपने पेटीएम से किया, आपको पता भी नहीं है कि पेटीएम के मालिक का जो पूरा डिटेल्स है पूरे मार्केट में उसके एम्प्लॉयों ने बेच दिया। हमारा तो साइट डायरेक्ट BSE हैंडल करता है और डायरेक्ट BSE के थ्रू चलता है, यहाँ तो कोई इसको टच भी नहीं कर सकता। आपने कार्बी में किया, कार्बी को पूरा का पूरा कंपनी ने बैन कर दिया, क्या हुआ फिर? ये सब चीज़ें, ये सब बातें करना ठीक नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल में काम करते हैं, फाइनेंशियल को मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से करना होगा। अगर आपको यहाँ से नहीं करना, आपको मैंने पहले भी वीडियो दिया हुआ है और वो वीडियो दिया हुआ है MFU के थ्रू, MFU से आप लॉगिन कीजिए और कीजिए। इन्वेस्टमेंट में अपना दिमाग कम लगाइए और बढ़िया लगाइए, ये जरूरी है। ये नहीं कि पेटीएम पे गए, ईटी पे गए और वो बढ़िया है क्योंकि आप उनको नहीं जानते और हम बात कर रहे हैं इसलिए हम बढ़िया नहीं है, ये सोच के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप हमेशा फेल होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।